तो गाइस हम इसलिए इस मैटर की तरफ से आए थे कि पिंकी के पेट पर नहीं पर कम्बल लगानी आज, इसलिए इधर से आए आज। हेलो गाइस, वेलकम बैक नवीन डेढ़ा ब्लॉग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस मैं नहा ली हूँ सुबह सुबह, आज हम जा रहे कालका जी मंदिर, आज शनिचर है और मैं पूजा कर लूँ पहले घर की। तो मैंने मंदिर की सफाई कर दी, मंदिर के बर्तन भी धो दिए, ये देखो मेरे मंदिर के बर्तन धो दिए क्योंकि गोपाल जी नहला कर जाऊँगी मैं, गोपाल जी नहला कर पूजा करके उसके बाद जाऊँगी। आज थोड़ा सा टाइम लगेगा मंदिर में क्योंकि कुछ मैंने भगवान माता रानी तो बोला वो मेरी पूरी होगी तो वो उतार के आनी है मुझे। तो चलो गाइस आप हम रास्ते में ही मिलेंगे, मैं जल्दी से पूजा कर लूँ, टाइम होने वाला 5 बजने वाले हैं। कपड़ा लेके सो गई और जाओ, जय श्री राधे। लड्डू सो रहा है, लड्डू लेके चलेगी मम्मी? नहीं, हाँ पूरी रात जागो ना, 11 बजे सोया हुई। तो मम्मी ने अपने कपड़े निकाल लिए नहाने को और काले जी नहा रहे हैं, आप भी नहा लो जल्दी से, आप खोलो ना मुंह धो लो ना पहले। देखो भाई मेरी पूजा हो गई है, लड्डू गोपाल मैंने निला के बैठा दिए, अपना आराम से मिसरी का भोग लगा दिया। आपको कई दिन से मैंने अपने सब भगवान तो ना मिलाया, आज गोपाल जी से मिल लो। ये देखो गोपाल जी मैंने निला दिए, कान्हा जी माता रानी। चलो अब पहले घर से ही पूजा करके निकलनी चाहिए, इसलिए मैंने घर में ही पूजा कर दी पहले। और तो गाइस हम चल दिए मंदिर, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है मेट्रो में। आज मैं पहली बार इस साइड से आ रहा हूँ, इस साइड से पहली बार आ रहा हूँ मेट्रो की तरफ से, मैंने मेट्रो में पार्किंग वहाँ गाड़ी खड़ी करी है। इधर से हम क्यों आ रहे हैं वो हम थोड़ी देर में बताएंगे क्यों आ रहे हैं इधर से, नहीं हर देर उधर से ही जाते हैं, ठीक है जी। चलो तो गाइस हम इसलिए इस मेट्रो की तरफ से आए थे कि पिंकी के पेट पलानी पर कम्बल लगानी आज, इसलिए इधर से आए आज। इनकी पेट पर नेब लगा रही आज। जय माता, इनकी ने बोल रखी ना, बोल कपूर बोल रखी तो इसलिए लगा रही पेट पर लड़िया। भीड़ हो गया गाइस, ना आधे घंटे का, 1 घंटा हो गया लाइन में लगे लगे। मैं मीनाक्षी तो लाइन में, मम्मी और पिंकी चलेगी पेट लेने वहाँ को। गाइस हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ है। तुम तो जल्दी पहुँच गए ना, जब आ दिए भैरी मंदिर पे, भैरव मंदिर पे गाड़ी खड़ी करके प्रसाद ले लेते हैं, प्रसाद हो लेते हैं, चलते हैं अंदर। पिंकी की पेट खुलनी हो गया, हम आगे भैरव मंदिर दर्शन कर लो गणपति महाराज। दर्शन कर लो भाई भैरव बाबा के। तो गाइस भैरव महाराज के दर्शन हो चुके हैं, अब मम्मी बाबा जी के दर्शन कर लो। मम्मी यहाँ के धूप लगा रही है, अगरबत्ती लगा रही है, दीप जला रही है मम्मी पिंकी नासी। अब हम चलते हैं घर पे और दर्शन कर लो। तो भैया आ लिए घर को हम, रात ही बैठ गए। कैसा रहा?
और सुबह जाना है, अगली बार से जाएंगे ना और जल्दी जाएंगे, 4 बजे जाएंगे। तो भाई मेरे हो रहा सिर से दर्द, मेरे को भाई दूध कर दो थोड़ा सा, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ वैसे ना, बनाओ। हाय मैं बना रही हूँ आप सबके लिए चाय, सब कह रहे कड़क सी चाय बना, तो मेरी चाय बन रही है और ये हो रहा लड्डू का दूध, सोते सोते लड्डू दूध पिला दूँ, फिर दूध ना पियाएगा चाय के साथ, और सबकी चाय उबल गई, अब मैं चाय दे दूँ सबको। मेरे से कह रही है, मेरे से कह रही है, एक ही बाई की बन रही है। चलो भाई हमारी चाय उबल गई, हम सब चाय देते हैं उसके बाद मिलेंगे। खाने का टाइम, खाना बना रही हूँ मैं, मैंने बनाई आज टमाटर की सब्जी और बना रही हूँ रोटी, और देखो बच्चे को बिल्ली खिला रही है, ये बिल्ली, ओ बिल्ली लड्डू से खाना खिला रहा, दूध पिला रहा। तो चलो गाइस बना लेते हैं खाना जल्दी जल्दी सी, फिर घर का सारा काम पड़ा। मैंने काम इसलिए ना करा क्योंकि फिर मैं आराम से काम करूँगी खाना वाना बना कर, क्योंकि पापा ने खाया खाना और काले जी खा कर दुकान पर जा रहे, इसलिए मैंने जल्दी बना दी। तो गाइस मेरा सारा काम होगा घर का, खाना वाना सब ने खा लिया, सारा झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिए, किचन विचन सब साफ कर दिए, और मेरी औख लग रही होएगी क्योंकि 4 बजे उठ गई मंदिर जाने को, फिर लौट के परिक्रमा लगाई माता के वहाँ तक, और अब जाकर थोड़ा आराम करो। मैंने अब मैं खा रही हूँ रोटी, छाए है आलू टमाटर की सब्जी है और रोटी है। तो गाइस मैं खा लूँ खाना, उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए आराम करूँगी, सोऊँगी 1 घंटे को, क्योंकि औख मेरी ऐसी हो रही है, ऐसा लग रही है सिर में दर्द हो रहा है कि अब आराम करूँ 1 घंटे के लिए। खाना वाना खा के अब सोऊँगी 1 घंटा को, फिर दोबारा शुरू काम। तो बारिश पड़ रही है, मौसम हो रहा बिल्कुल जबरदस्त, बारिश का भी एक अपना ही स्वाद है, ऐसे मौसम में तो बनती है चाय पकौड़ी। फोन करता हूँ, पकौड़े बनाएंगे। देखो भाई कैसी लग रही, दीदी मैं तैयार करिए और बाल भी लगा, किसी कुछ करवाना हो तो जरूर कॉन्टेक्ट करे जय भाटी वो खूब मत दीजिए यहाँ के चक्कर में, जय भाटी के पास जरूर जाइए। भाई अब देखो हमारी दीदी वसु भी बड़ी बड़ी सी लग गया, तो वैसे तो आज वैसे भी सूट पहना, देखिए घूम के देखिए कैसे सूट है आपको, वो गला भी दिखा के नहीं कही ना दिखाओ, पूरा सूट देखो कैसी लग रही है। तो हमारी भी बड़ा दो दिन में मैंने बाल बड़े कर दी दीदी के, तेल लगा लगा कर बालों को कुरसा जय राजा। आगे गाड़ी का